लाल सिंह चड्ढा के टीजर ने एक घंटे में तोड़े सारे रिकॉर्ड। 2020 में होगा महामुकाबला। नमस्कार, आमिर खान ने तब से अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट की है। तभी से ये फिल्म चर्चा में बनी हुई है, कभी रिलीज को लेकर तो कभी फिल्म की शूटिंग व स्टार कास्ट को लेकर। वैसे हम बात करें लाल सिंह चड्ढा की, जिससे आमिर खान धमाकेदार कम बैक करने वाले हैं। आमिर खान की ये फिल्म वो हॉलीवुड की फॉरेस्ट गम का हिंदी रिमेक है। दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा था कि फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी, क्योंकि उस दिन अक्षय कुमार की बच्चन पांडे भी आ रही है। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा फिल्म का एक म्यूजिकल टीजर रिलीज किया, जिसके साथ ही उन्होंने फिल्म की फाइनल रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया। आमिर खान की ये फिल्म उसी दिन रिलीज होगी जिस दिन अक्षय कुमार की बच्चन पांडे रिलीज होने वाली है। वैसे लाल सिंह चड्ढा के टीजर के साथ आमिर खान ने फिल्म के रिलीज पर पूरी तरह से मोहर लगा दी है। आमिर खान के रिलीज करते ही लाल सिंह चड्ढा का टीजर सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल होने लगा, जबकि टीजर को एक घंटे के अंदर ही लाखों व्यूज भी मिले हैं। ये टीजर सोशल मीडिया पर जोरों से ट्रेंड कर रहा है, हर तरफ लाल सिंह चड्ढा के टीजर की ही चर्चा हो रही है। वैसे अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टीजर लोगों को कितना पसंद आया है। आमिर खान के द्वारा रिलीज किए गए लाल सिंह चड्ढा के इस टीजर में सुरीली धुन का म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। इस फिल्म का नाम आमिर खान के करेक्टर पर रखा गया है, क्योंकि फिल्म में आमिर खान लाल सिंह चड्ढा नामक किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में आमिर खान के ऑपोजिट करीना कपूर नजर आएगी। लाल सिंह चड्ढा के लिए ये जोड़ तीसरी बार बन रही है, जबकि इससे पहले इन दोनों को थ्री इडियट्स और तलाश में देखा जा चुका है। इस फिल्म का निर्देशन सीक्रेट सुपरस्टार फेम अद्वैत चंदन कर रहे हैं।